दिल्ली से सटे गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके की लाल क्वार्टर कॉलोनी में शनिवार की सुबह अचानक उस वक्त भगदड़ मच गई जब लोगों ने एक मकान में जोरदार ब्लास्ट होने के बाद मकान को गिरने की आवाज सुनी। जैसे ही लोगों ने इस आवाज को सुना, दो लोग मौके पर दौड़े और आनन फानन में स्थानीय पुलिस को सूचित करते हुए मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास शुरू किया। इस दौरान ऊपर नीचे बने दोनों फ्लैटों के गिरने से उनमें रहने वाले दो बच्चों समेत करीब 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें दिल्ली के जीडीबी अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया, जबकि एक बच्चा और पति पत्नी को गाजियाबाद के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक मकान गिरा है, क्या है पूरी घटना? आज सुबह लगभग 9 बजे के करीब सूचना मिली थी कि विजयनगर थाना क्षेत्र में लाल क्वार्टर्स में बाजिद के मकान में सिलेंडर फट गया है, जिसके कारण उसमें 4-5 लोग घायल हो गए हैं। तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस, हमारी फील्ड यूनिट, NDRF की टीम यहाँ आई है। अभी तक 5 लोगों के घायल होने की जानकारी है, जिसमें वाजिद, उसकी पत्नी रजिया, उसका बेटा उवेश और उसकी बेटी मोगेश, इसके अलावा एक सरता नाम की महिला जो ऊपर रहती थी, उनके भी घायल होने की सूचना है। तो कितने लोग हैं जो जल गए हैं? कितने लोगों की? 5 लोगों के घायल होने की सूचना है। इस समय कहाँ है सर? इसमें वाजिद, उसकी पत्नी रजिया और उसके बेटे उवेश को तो GTV के लिए रेफर करवा दिया गया है वहाँ से, और बाकी माइनर चोट है उसकी बेटी के और जो ऊपर सविता रहती थी। हादसे की मेन वजह क्या बताई जा रही है? अभी तक जो प्रोफेसर जानकारी मिली है वो यही कि गैस सिलेंडर लीकेज था, उसमें आग पकड़ी। सर, अभी कोई मकान में कोई दबे होने की कोई सूचना? अभी ऐसा कुछ नहीं है, रेस्क्यू टीम ने चेक कर लिया और हम लोग चेक कर रहे हैं। थैंक यू।